किया जा, सूख जा। कल क्यों नहीं सूखा? क्योंकि प्रभु नहीं आए थे। यहोवा के दिन में अंधकार और तिमीर इसलिए दिखाई देगा उनकी जिंदगी में, वहां पर जहां परमेश्वर विरोधी काम है, आप से आप परमेश्वर के हस्तक्षेप में एक शब्द हम कह सकते हैं, वेल देयर इज अ रिवाइवल, देयर इज अ जजमेंट। हिंदी में बोलो तो जहां पर जागृति है वहां न्याय भी होता है, और जहां जागृति नहीं है वहां परमेश्वर नजरअंदाज कर देता है हमारी गलतियों को। और जब यीशु मसीह अंत के दिनों में जागृति लेके आएगा अपने दुल्हन को तैयार करने के लिए, तो जो जागृत होंगे वे प्रभु की महिमा के अंदाज में जाएंगे, परंतु जो प्रभु की महिमा, जो लोग परमेश्वर की जागृति वाले अस्तित्व के फ्रेम में फिट नहीं होंगे, वे आप से आप श्रापित होने वाली दशा में पहुंच जाएंगे। इसलिए प्रकाश के उदय होने, जैसे सुबह का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे एक सामर्थ्य जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी न हुई और न कभी किसी पीढ़ी में होगी। इस समय यदि कोई इस पीढ़ी का सदस्य नहीं होगा तो वह अंधकार और तिमीर और घोर अंधकार की बदली का सदस्य बन जाएगा। जब तक जागृति नहीं है भोपाली चलेगी, मुझे माफ कर दीजिएगा, जब तक मेरा प्रभु भारत में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तब तक पाप अधर्म बढ़ता और पलता रहेगा। पर जिस दिन खुदा अपना अपना पैर यहां रखेगा, जो उसके लिए तैयार है वो लालो लाल होंगे, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जिंदगी जी रहे होंगे वे मेरे प्रभु के हस्तक्षेप के कारण अंधकार और तिमीर और बदली के संस्कार में धकेल दिए जाएंगे। नो ऑप्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी ऊंची बात है, इट्स अ वन वर्ड मैसेज, क्योंकि सारी दुनिया हमें सुन रही है। मेरे प्रियो, आज बड़े धन्य लोग हो आप जो एलिया की आवाजें आपके कानों में पड़ रही है। इट्स अ डिवाइन प्लान। 2023 में परमेश्वर बहुत से लोगों को, आप जरा भविष्यवाणी के वचन को सुनिएगा, दार्शनिक दर्शन में देह त्याग करके इस आकाश गंगा के ऊपर जो अंधकार का साम्राज्य है उसके ऊपर पहुंच जाता है, और वहां से वह भारत का नक्शा देखता है, और संपूर्ण भारत में जहां